हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आप लोग का। फ्रेंड्स, और अभी देखिए 5 बज रहा है फ्रेंड्स, और आज धूप नहीं था इतना, और बादल चारों तरफ घिरा है, ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम जैसे। फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, तो चलिए दिखाते हैं कैसा मौसम है इधर का, जिधर हम लोग हैं। फ्रेंड्स, और काला काला धुंध छाया हुआ है हल्का हल्का, और धूप भी नहीं आज हुआ है, पूरा दिन इसी तरह था। फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे दिख रहा है, पूरा छाया हुआ है, काला काला बादल छाया हुआ है। फ्रेंड्स, ऊपर देखिए, और वो सामने पहाड़ दिख रहा है, कैसा लग रहा है, कोहरा पड़ा है। ऐसे ही पूरा आज दिन था फ्रेंड्स, और धूप भी नहीं हुआ था। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, और आप लोग देख सकते होंगे मौसम कुछ चेंज है, आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया मौसम फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे लग रहा है बारिश का मौसम हो फ्रेंड्स। और ये सब देखिए, पूरा दिन इसी तरह था आज फ्रेंड्स, और धूप नहीं निकला है। दोपहर में आधा एक घंटा धूप हुआ था, उसके बाद आज धूप तो हुआ ही नहीं फ्रेंड्स। और सब देखिए, बारिश का मौसम बन रहा है, पर बारिश नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, पर मौसम में थोड़ा ठंड है हल्का हल्का फ्रेंड्स इधर भी आज। और सब इसी तरह दिख रहा है फ्रेंड्स, वो हमारी कंपनी है फ्रेंड्स वहाँ पे। और ये हाईवे है उधर, और एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे, जो कि बंद रहता है हमेशा, पहले चलता था, बीच में पता नहीं क्या हुआ बंद कर दिया, शायद प्रॉफिट वोफिट नहीं होता होगा, तो इसके वजह से बंद कर दिया, लॉस में चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा तो मंगलवार से ड्यूटी स्टार्ट होगा, तभी मैं हूँ इस वक्त रूम पे ही एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा 3 दिन छुट्टी रहता है फ्रेंड्स, और आप लोग देख सकते होंगे मौसम आज कैसा है। देखिए अभी वो जिधर हल्का सा रोशनी सा दिख रहा है, अभी सूर्य दिखा नहीं है फ्रेंड्स, और देखें हल्का हल्का सा दिख रहा है, बादल के अंदर है आज, और बहुत मौसम अच्छा है, खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो हम कल गए थे, पासपोर्ट मेरा आ गया बनकर, नया वाला पासपोर्ट फ्रेंड्स जो दिए थे रिन्यूअल कराने के लिए। तो 8 तारीख को जमा किया था वहाँ पे एम्बेसी में, जीजान में फ्रेंड्स, और कल हमारा मिल गया आरमेक से। तो आज कंपनी में डाल दिया हूँ, तो वीज़ा नंबर पे तो पासपोर्ट नंबर चढ़ेगा, क्योंकि पुराना वाला में अभी 3-4 महीना था डेट, तो वो काट दिया वहाँ से। ये नया वाला पासपोर्ट का डेट जो 23 तारीख से चालू कर दिया है फ्रेंड्स, इस महीने में 23 तारीख से, और पुराना वाला कैंसिल मार दिया है उसको। तो फ्रेंड्स अभी देखो, 1-2 दिन में वीज़ा नंबर भी चढ़ जाएगा, पासपोर्ट वीज़ा पे पासपोर्ट नंबर भी चढ़ जाएगा नया वाला पासपोर्ट। आज मकतब में डाल दिया है, ईमेल भेज दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। अभी हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है छुट्टी जाने का, 2 साल पूरा होने वाला है फ्रेंड्स, अगस्त में 7 तारीख को 2 साल पूरा हो जाएगा इस साल में। तो उसके बाद देखते हैं कब घर भेजता है, और हम लोग की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खलास होने वाला है, ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये 5 साल पूरा होने वाला है फरवरी में, वैसे तो मार्च में 18 तारीख को 5 साल पूरा होगा कंपनी का काम फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स, सैलरी वैलरी कुछ बढ़ाता है कंपनी कि नहीं बढ़ाता है, बढ़ा देगा तो सही है, नहीं बढ़ाएगा तो क्या किया जाएगा। महंगाई इधर इतना हो गया है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, तो नहीं कुछ बचता है फ्रेंड्स, बहुत कम पैसे बचते हैं। अभी इंडिया का एक आदमी का 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा यहाँ पर पड़ता है एक आदमी का, आप लोग समझ सकते होंगे। और इंडिया में 8-9 हज़ार में 3-4 फैमिली के साथ में है तो सबका चल जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या किया जाए, बढ़ा देगा तो ठीक है, कुछ नहीं बढ़ाएगा तो देखा जाएगा, इन क्या करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स,
तो वीडियो यहीं लास्ट करते हैं, एंड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाय गाइस।